हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी गाइस फॉर डिस्टर्बिंग यू सो लेट। एक्चुअली एक दो घंटे पहले कम्युनिटी पे मैंने अपना एक डाउट डाला था एंड द क्वेश्चन वाज अबाउट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। एंड क्वेश्चन में था आपका टर्शरी कार्बोकेटायन एंड बेंजाइलिक कार्बोकेटायन एंड लास्ट इज एलाइलिक कार्बोकेटायन की आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बतानी थी कार्बोकेटायन की। एंड वहाँ पे मुझे डाउट हो रहा था क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे डिफरेंट डिफरेंट आंसर दिए हुए हैं एंड हैंडबुक में भी अलग आंसर है। एंड पंकज सर, फिर मैंने अपनी नोट्स देखी सो मुझे बहुत अच्छे से याद है पंकज सर की वो लाइन दैट टर्शरी कार्बोकेटायन का नाइन, जो टर्शरी कार्बोकेटायन दैट इज नाइन हाइपोकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे उसके, इस मोस्ट स्टेबल देन बेंजाइलिक का एक रिंग का रेजोनेंस। ठीक है, अगर दो रिंग लगी हुई है कार्बोकेटायन पे, एक इधर भी बेंजीन है एक इधर भी बेंजीन है, देन इट इज़ मोस्ट स्टेबल देन टर्शरी। लेकिन सिर्फ एक रिंग का रेजोनेंस है, मतलब एक रिंग है एंड ऊपर यहाँ पे CH3+ पॉजिटिव, तो वो कार्बोकेटायन इज लेस स्टेबल देन टर्शरी। टर्शरी बेसिकली ऑर्डर आपका क्या होता है, रेजोनेंस सबसे ज़्यादा, स्टेबिलिटी के लिए रेजोनेंस, फिर हाइपोकॉन्जुगेटिव देखते हैं, देन इंडक्टिव इफेक्ट्स हम देखते हैं। बट यहाँ पे 9 अल्फा एच, क्योंकि टर्शरी का जो अल्फा एच है वो 9 है, तो 9 अल्फा एच जो है वो डोमिनेट करता है आपके वन रिंग के रेजोनेंस पे। सो द करेक्ट ऑर्डर फॉर दैट क्वेश्चन इज स्टेबिलिटी ऑर्डर आपका हो जाएगा टर्शरी, देन बेंजाइलिक एंड देन एलाइलिक। एंड बेंजाइलिक एंड एलाइलिक में देखना इज वेरी इजी, उसके लिए तो मैं बहुत क्लियर हूँ कि उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा हैं बेंजाइलिक में, सो इट इज़ मोस्ट स्टेबल देन एलाइलिक। सो करेक्ट ऑर्डर आप भी देख लो एंड बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स दिख रहे थे मुझे।